हमारे दिमाग में हर रोज लगभग 6200 थॉट्स आते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमें पता सिर्फ कुछ ही थॉट्स का होता है। इसका मेन रीजन है हमारी कॉन्शियसनेस। हम सिर्फ वही थॉट्स पर कॉन्शियसली अटेंशन देते हैं जो हमें हमारे काम के लगते हैं। बाकी तो सब थॉट्स यूं ही आते रहते हैं और अपने आप चले भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ थॉट्स हमें परेशान भी करते रहते हैं। वैसे होता कुछ नहीं है उन थॉट्स में, लेकिन फिर भी कभी कभी उन्हें लेकर हम परेशान से हो जाते हैं। ये थॉट्स कुछ इस तरह के होते हैं, लाइक समझो कि हम कहीं अच्छी और पवित्र जगह पर बैठे हैं और कुछ वाहियात बातें या वाहियात ख्याल हमारे दिमाग में आ जाते हैं और हम फिर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वो रुकते भी नहीं है। यानी कि हमारा दिमाग ऐसे थॉट पैटर्न को क्रिएट कर लेता है जो हम नहीं चाहते, लेकिन हमारे मन में वैसे उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते वो थॉट आने लगते हैं और हम उन्हें भूलने या दूर करने चाहे तो वह दूर होने के बजाय और बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में हमारे परेशान होने का कारण भी हमारे इस तरह के वाहियात थॉट्स ही होते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात समझनी होगी कि ये थॉट्स अपने आप चलते हैं, मतलब कि ये सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलते रहते हैं, लेकिन कॉन्शियसली हमें ऐसे थॉट से छुटकारा चाहिए होता है। उस चीज़ की वजह से ही हम परेशान होते रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे थॉट्स की वजह से हमारा पूरा दिन कन्फ्यूजन में बीतता है। उदाहरण के लिए हम अपने किसी इम्पॉर्टेंट काम में अपना कंसंट्रेशन दे रहे होते हैं और अचानक कोई ऐसा ख्याल लाइक किसी से कुछ बहस हुई हो या फिर गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया हो या हमने कुछ ऐसा देखा हो जो हमारी आंखों के सामने से दूर नहीं हो पा रहा हो, जैसे रीसेंट या पुरानी मूवमेंट हमारे दिमाग में उस हद तक आती रहती है कि हम कहाँ हैं, वह भूलकर अपने ख्यालों में या तो डीप में चले जाते हैं या फिर उस ख्याल को रोकने या दबाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ख्याल आने बंद नहीं होते, उल्टा और बढ़ जाते हैं। अब इसके हल्की बात करें तो ख्याल आएगा कि हम हमारे थॉट्स को रोक दें, लेकिन क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही इसलिए है, उनका काम ही है सोचना, कमांड करना और काम करना। इसलिए हम अपने थॉट्स को भी नहीं रोक सकते और ना ही दबा सकते। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे दिमाग में आ रहे उल्टे सीधे विचार हमें परेशान कर देते हैं या कभी कभी हद से भी पार हो जाते हैं। थॉट्स आना वह हमारे दिमाग का नेचुरल काम है, लेकिन ये भी सच है कि हमारा दिमाग थॉट्स को एक ही जगह टिकाए नहीं रखता है, वह तुरंत थॉट्स को लाकर उन्हें भगा भी देता है। मतलब जैसे ही थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं बिल्कुल वैसे ही वह हमारे दिमाग से पानी की तरह बह भी जाते हैं। ये हमारे दिमाग की सबकॉन्शियस प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ऐसा है तो फिर कोई अजीब विचार हमारे दिमाग में टिक कर हमें परेशान कर दे ऐसा क्यों होता है? इनका एक सिंपल प्रोसेस है जो हम करते हैं, या फिर ये कहें कि हमारी कॉन्शियसनेस हमसे करवाती है। हम बचपन से एक आदत बना लेते हैं, कोई भी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बेहद नापसंद है, इन दोनों को हम खुद हमारे दिमाग में गहराई तक बसा लेते हैं। यह कुछ इस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज ऐसी है जो हमें बेहद पसंद है तो हम बार बार खुद ही उनके ख्याल जानबूझकर अपने दिमाग में लाते रहते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई ऐसी चीज हम देखें जो हमें पसंद ना हो या जिनसे हम नफरत करते हों तो वह भी हम अपने दिमाग में बार बार खुद से ही सोच के रूप में लाते रहते हैं और जाने अनजाने में अपने मन को सैड या गुस्सेल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये होता तो कॉन्शियसली ही है, लेकिन फिर भी हम इस प्रोसेस से अनजान रहते हैं कि कब हमने कुछ सोचा और हमारे अंदर उसे बसा लिया। यही वजह है कि जब सेम ऐसा कोई विचार हमारे दिमाग में आता है तो हम उन्हें पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिपीट करते रहते हैं, जिससे वह थॉट फ्लो की तरह बन जाते हैं, हमारे दिमाग में टिक जाते हैं, जो फिर बहुत देर तक रहते हैं या शायद तब तक नहीं निकल पाता जब तक कोई हल ना मिले। और जितना हम इस थॉट को दूर करने की या इससे भागने की कोशिश करते हैं वह उतना ही हमारे दिमाग में गहरा होता जाता है। लेकिन फिर भी कोई तो इसका सॉल्यूशन होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम ऐसे कोई भी विचारों से छुटकारा पा सकें। इसका हल तो है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने थॉट्स को लेकर एक ऐसा ठोस माइंडसेट अपनाना होगा। जब भी कोई थॉट
आपके दिमाग में आए जो आपके लिए गलत हो तो उसे छेड़े नहीं। इन द सेंस विचार को ना ही दबाने की कोशिश करें और ना ही उनसे दूर भागने की या इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। जो भी थॉट है उसे अपने दिमाग में पूरा एज इट इज आने दे और कोई ऐसा रिएक्शन ना दे जो आपके इमोशन से निकल रहा हो। चाहे जितना भी अच्छा या जितना भी वाहियात थॉट हो, आपको बस उन्हें उसी हिसाब से ही चलने देना है, खुद से कुछ ऐड नहीं करना है। ऐसा करने से आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि आपका विचार धीरे धीरे कम होता जाएगा और फ्लो की तरह बहता महसूस होने लगेगा। ये कहने में तो आसान है लेकिन रियल में थोड़ा बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है आपके दिमाग की पावर पे। कुछ टिप्स हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। जब भी आप किसी काम में मशगूल हों तब काम करने के साथ म्यूजिक भी चलाएं। ऐसे सॉन्ग्स प्ले करें जो आपको बेहद ही पसंद हो और उन्हें अपने साथ दोहराते रहें और अपना काम भी जारी रखें। ऐसा करना आपको अपने काम के साथ प्रेजेंट और फोकस बनाए रखेगा ताकि आप कोई और चीज़ में अपने आप को डाइवर्ट ना करें। अगर कभी ऐसा हो कि आप फ्री बैठे हो या इंजॉय कर रहे हो और तब भी आपको उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग में आ जाए तो और कुछ ना करें, बस एक दौड़ लगाएं और तब तक दौड़ें जब तक आपकी सांस फूलने ना लगे। जब सांस फूलने लगे तब आप कोई पास की जगह या बेंच पर आसमान की ओर मुंह रखकर तब तक बैठे रहें जब तक आपकी सांस फिर से नॉर्मल ना हो जाए। ऐसा करने से आपका दिमाग बिल्कुल पीसफुल और थॉट फ्री होकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। अपने उल्टे सीधे विचारों से छुटकारा पाने के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। और एक बात आपको अपने आप को ठीक से समझानी होगी कि जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं वे ज़रूरी नहीं कि आपसे रिलेट करते हों। वह आपकी दिमागी प्रोसेस है जिनका आपकी कॉन्शियसनेस यानी आपकी रियल लाइफ से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बस इतना अगर आप ठीक से समझ गए तो फिर कुछ और सोचने या समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।